अरे का भेल? काहे मारा तारा सांप के? अरे बाबूजी काटली क्यों की? काटली क्यों के तारा कुछ बिगाड़लस का? कथा कहीं के जब देखा तब लाठी उठा लेता। राजा। हाँ बाबूजी। जी बाबूजी। बेटा देखा तो अंदर शायद कोनो सांप उग गई बा। सांप? हाँ और उसका ये टॉर्च ला संभाल के पकड़ा आ देखो उसका कोनो नुकसान न पहुंचे। हाँ हाँ बाबूजी। राजा बचा के हाँ। अरे हाँ हाँ मिलल रे मिल जाए बाबूजी चाहिए क्या ने देखिए सांप को कोनो चोट उठ ना लागे रे ना बाबूजी उधार ले ले बाबूजी हाँ कौन सांप है गहुआ ना बाबूजी गहुआ नहीं बुझाता जो बस बसवरिया में ले जाके छोड़ दिए आराम से लीजिए आराम जी जी बाबूजी संभल के हाँ हाँ है गहुआ ना अधा ले बानी काटी ना है देखिए इसका मुंह देखिए जो एकरा के ले जाके बाहर नहीं क्या हो गया अरे कुछ न रे सांप देख के डरा गेल होई अरे ले जा तू लोग जा करके पानी वानी पिलावा चलो ले आओ जल्दी ध्यान से लेके जाइए अरे इतना बड़ा सांप तू इतना डरा रहल बड़े अरे गांव घर में तो सांप गुजर निकलबे करेला बट इतना मालूम बन तोरा चल आ जा आ जा चल तुलसी हाँ क्या सुन रहा हो तुम जाने की तैयारी कर रही हो हाँ पापा इट्स इनफ नाउ अब चलिए घर चलते हैं पर क्यों क्यों आप अभी भी क्यों पूछ रहे हैं कल इतना सब होने के बाद भी पापा ये कोई जगह है रहने लायक सांप और बिच्छू के बीच पापा दिस इज जंगल और यहाँ के लोग जंगली हैं ओके घर चलो अरे बहू तने जूता ले आवा तुलसी अब यहाँ रहने की आदत बना लो तुम क्यों क्यों डालू आदत यहाँ रहने की क्योंकि मैंने सोच लिया है कि तुम्हारी शादी मैं राजा से ही कराऊंगा क्या क्या कहा आपने अरे वही जो तुमने सुना तुलसी राजा से बेहतर लड़का तुम्हारे लिए और कोई हो ही नहीं सकता पापा पागल हो गए क्या आप क्या बात कर रहे हैं मुझे पता है और मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है पापा आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना सच बताओ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तुलसी तब फिर गारंटी है आप पक्का पागल हो चुके हैं पापा तुलसी आई एम सीरियस हाउ कैन यू बी सीरियस पापा हाँ टेल मी हाउ कैन यू बी सीरियस अबाउट दिस आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उस राजा से शादी करूंगी हाँ मैं यहाँ रहूंगी इस घर में पापा जहाँ पे मैं चैन से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ आप चाहते हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिता दूँ और आप बोल रहे हैं कि आप पागल नहीं हुए हैं सीरियसली डैड तुलसी जो लड़का तुम्हारी हंसी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता है उसका प्यार तुम्हें दिखाई नहीं देता आप क्या चाहते हो पापा क्या चाहते हो आप कि मैं यहाँ इस गांव में रहके उसकी गुलामी करूं यहाँ की बाकी औरतों की तरह इज दैट व्हाट यू वांट इसीलिए आप एक गवार को मेरे माथे मरना चाह रहे हो यही चाहते हो पापा धीरे बोलो नहीं तो मेरा दोस्त सुन लेगा अरे सुनता है तो सुने आई डोंट केयर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है आपको सुनने की पड़ी हुई है इनफैक्ट अब मुझे रियलाइज हो रहा है आपने और आपके दोस्त ने मुंबई में ही मुझे गाँव लेके आने की प्लानिंग कर ली थी ना शंभो का हो गए अरे अरे कुछ ना दोस्त कुछ ना नहीं बस ऐसे ही क्या कुछ ना हा? ये कह रहे हैं कि मेरी शादी राजा से कराना चाहते हैं मेरा और राजा का कोई मेल मिलाप है और आप अंकल आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके घर की बहू बनूंगी आप क्या चाहते हैं आपकी बहू बनके मैं आपकी बड़ी बहू की तरह इस घर में नौकरानी बनके रहूं कहीं से भी आए आवाज दे बहू और मैं दौड़ते हुए आ जाऊं जी बहू जी दैट व्हाट यू ऑल वांट बस तुलसी बस क्यों बस एक तो आप एक अनपढ़ गवार गोबर को मेरे पल्ले बांधना चाहते हैं और उसके बाद गुस्सा भी आप ही करेंगे और
अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी औकात और अपने हैसियत के हिसाब से सपने देखने चाहिए। तुलसी, बिल्कुल सही तो कहती है दास बेटी, कहां गांव कहां उस शहर, कभी दोनों के मेल मिलाप भइल बा। एगो गवार के कबो कोनो अकलमंद से जोड़ा बनत देखले बड़। सही कहता रे बेटी, गवार हमार बेटा गवार, तका करी यह हमार गवार बेटा हमार नाज बा, यह गवार बेटा हमार अभिमान बा, आ यह गवार बेटा के वजह से पूरा जिला जवार में हमार नाम बनल बा, सब कहला राजा के बाप। गोबर गोबर है नो, लेकिन यह गोबर हमरा खातिर गणेश। माफ करिए दोस्त, लेकिन आज आज तो हर बेटी हमार मान स्वाभिमान सब तोड़ दे। एक बात पूछी बेटी, कौन बात के घमंड बा तोरा, कि तोरा पास बहुत पैसा रुपया बा, तो पैसा रुपया था तोरा बाबूजी के बा, कि तू बहुत सुंदर बाड़ू, तो सुंदरता तो वक्त के साथ खत्म हो जाए, तू बहुत पढ़ा लिखल बाड़ू, जवान पढ़ना लिखला से तार संस्कार खत्म हो गए, तो वादा करता नहीं तोरा से हम कि अपना बेटी के शादी से पहले अपन बेटा के शादी करब, तोरा से ज्यादा सुंदर, तोरा से ज्यादा गुणवान, तोरा से ज्यादा पढ़ा लिखल लड़की से तू देख पे। का बोला था रे बच्चे भी यार हे 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 नारायण बाबूजी, हे नारायण बाबूजी, बाबूजी बाबूजी बेटा ठीक बानी रे हम, हमके माफ कर दिया दोस्त। ए शंभू, तू काहे माफी मांगता रे, जे भी भइल अच्छा भइल, आ जे भी होई भगवान अच्छा ही करिए। अब ये सब का बोले तनी रहुआ, चुपचाप आराम करी, ज्यादा मत सोची। पापा, मेरा मतलब उन्हें दुख पहुंचाने का नहीं था पापा। तुमने आज नारायण और राजा के साथ साथ मेरा दिल भी बहुत दुखाया बेटी। पापा, मैं उसे पसंद ही नहीं करती हूं, तो मैं क्या करूं? पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।